हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। सही रहिए, स्वस्थ रहिए, सकुशल रहिए और कोरोना की तीसरी लहर, तीसरी वेव से बचकर रहिएगा। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, ये मुझे बहुत डर लगता है इससे ना, इसीलिए मैं आप लोगों को भी डराती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। आज का दिन है बृहस्पतिवार, ठीक है, और इस समय टेम्परेचर है 34 डिग्री यहाँ का, और शाम तक 38 कह रहे हैं कि 38 जाएगा, 40 नहीं जाएगा, तो 38 तक जाने की उम्मीद है। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीने में टिप टिप हो रहा, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरे हाल हैं, बहुत गर्मी है यहाँ पर। यहाँ के मेरे ख्याल से तो सारे में ही है, इंडिया में ज़्यादातर सब जगह पर, तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ मौसम एक सा रहता है, एक समान रहता है, लेकिन अपने यहाँ तो मैदानी इलाके हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी में बहुत ज़्यादा पापड़ बन जाता है अपना भी, ऐसा लगता हम पापड़ हैं और भून गए, घर जो है कढ़ाई के समान हो जाता है। चलते हैं किचन में, देखिए आज मैं आप लोगों को अपने सवेरे का रूटीन दिखा रही हूँ, इस समय मैं क्या काम कर रही हूँ। तो ये आप देख ही रहे होंगे कि मैंने भिंडी साफ़ की हैं और तोरी ली हैं और दो फ्रूट्स लिए हैं। तो तोरी और भिंडी काट के मैं आज थोड़ी सी भिंडी और थोड़ी सी तोरी बनाऊँगी। सनी को भिंडी अच्छी लगती है और इनको तोरी अच्छी लगती है, मैंने कहा थोड़ी थोड़ी दोनों के लिए दोनों ही चीज़ बना देती हूँ। तो ये बना रही हूँ मैं इस समय, और दो खीरे भी लिए हैं मैंने, मैं इनको छील कर इसका रायता बनाऊंगी। और अभी मैं फ्रूट काट के ना ये घूम के आ रहे होंगे वापस, इस समय सवेरे के 7:30-7:45 हो रहे हैं, 7:40 हो रहे हैं, तो ये घूमने गए हुए हैं, ये आ रहे होंगे, तो मैं इनको काट के रख दे रही हूँ। एक नाशपाती और एक सेब ये खा लेंगे, क्योंकि ये शुगर पेशेंट हैं। पूरी रात ना खाने के बाद, मान लीजिए 10-11 बजे जब लेटते हैं उसके बाद कुछ नहीं खाते, तो सवेरे फ्रेश होके जब घूम के आते हैं तो उन्हें कुछ खाने को देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इसलिए मैंने ये फ्रूट काट के रख दिए हैं। उसके बाद वो नहाने जाएंगे थोड़ी देर अपना पसीना सुखा के। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि घूमने जाते हैं सवेरे को भी, वैसे तो आज हवा चल रही है लेकिन फिर भी पसीने आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, पूछिए मत, बस बहुत पसीना आता है। यहाँ पर तो ख़ास तौर से ज़्यादा गर्मी है, बादल भी हो रहे हैं लेकिन लगता नहीं कि बारिश होगी, अभी हालात नहीं है बारिश के, देखिए होती है या नहीं होती है पता चलेगा। वैसे तो काफ़ी दिन बारिश हुई है लेकिन गर्मी बढ़ा गई है, कम नहीं हुई है। तो तोरी और भिंडी काट रही हूँ मैं, उसके बाद मैं इसको बनाने जाऊँगी। अभी मैंने क्या, मैं पहले से काट वाट के सब्जियों को तैयार करके रख लूँ, तो दूसरी स्लैब पे चूल्हा रख रखा है ना, ये सीधी स्लैब है ये वाली, हम लोग स्लैब कहते हैं, प्लेटफार्म नहीं कहते हैं इसको घर में, किचन की स्लैब कहते हैं। ये मटका रखा ना, इसकी वजह से मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन मटका कहीं और रखने की जगह भी नहीं हो रही है मेरी, इसका स्टैंड सा बनवाना पड़ेगा रखने के लिए, सोच रही हूँ बनवा दे, सन्नी से कहा तो है लेकिन देखो कहा हुआ कब होता है, बच्चों को भी फुर्सत नहीं मिलती ना, सन्नी अकेला है तो उसकी जान पर बहुत से काम रहते हैं, तो कई बार कहना पड़ता है एक काम कराने के लिए भी। और ये मैंने देखी तोरी काटनी शुरू कर दी है, तोरी काट के मैं रख लूँगी, तोरी भी काट ली है मैंने, और ये फ्रूट्स इनका ये भी मैंने तैयार कर दिया है, खीरे भी छील कर रख दिए हैं, इसका रायता बना के रख दूँगी नाश्ते में इन लोगों को, खीरे का रायता और भिंडी दूँगी सन्नी को, और इनको भिंडी खाएँगे या नहीं पता नहीं, तोरी की सब्जी देनी है। और प्याज तैयार कर रही हूँ मैं, प्याज भी मैंने कि काट लूँ, अभी सामान तैयार कर लो फिर सब्जी छोक दो तो काम बड़ी आसानी से हो जाता है, तो मैं पहले तैयारी करके ही छोड़ रही हूँ। तो ये देखिए मैंने कर लिया है सब काम अपना तैयार, और अब मैं जा रही हूँ भिंडी छोंकने। तो भिंडी बनाने के लिए देखिए मैंने प्याज डाल दी है इसमें, और प्याज को थोड़ा सा मैं भूनूंगी, जब ये थोड़ी भून के तैयार हो जाएगी तब इसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, और फिर भिंडी डाल के थोड़ी देर भाप में ही बना लूँगी। भिंडी तो बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं, भिंडी में ज़्यादा देर नहीं लगती बनाने में ना, भाप से ही हो जाती हैं वो तो। तो ये देखिए मेरा मसाला हो, वो प्याज हो गई है तैयार, मसाला कर रही हूँ, तो प्याज में मैंने अभी सूखा मसाला मिलाया, अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और दूसरे तवे पर आपको दिखाई दे रहा होगा मैं कुछ कर रही हूँ, तो ये मैं जीरा भून रही हूँ, जीरा भून के मैं थोड़ा सा पीस लूँगी, इसको रखूँगी, क्योंकि ये लोग ना छाछ पीने लगे तो छाछ में डालने के लिए ना साबुत जीरा अच्छा नहीं लगता, तो पिसा हुआ हो तो सही रहता है, नमक, काला नमक और ज़रा सा जीरा उसमें डाल लो, हींग जीरा तो अच्छा लगता है, वो भून के रख रही हूँ। इधर मेरा मसाला भी तैयार हो जा रहा है, सवेरे का काम बहुत जल्दी का होता है और बहुत जल्दी करना पड़ता है,
शिवांगी होती तब तो हम दोनों मिलके कर लेते हैं, लेकिन इस समय मुझे अकेले करना पड़ रहा है। शिवांगी भी जल्दी आ जाएगी। भिंडी देखिए मेरी हो गई है तैयार, और अब मैं डाल दूँगी इसमें भिंडी। बनकर ऐसे तैयार हो गई है, देखिए जो मैंने पलट दिए हैं डोंगे में। और ये थोड़ा मैं चौके को साफ़ कर रही हूँ, यानी अपने किचन को साफ़ कर रही हूँ। ये मैंने डब्बे वगैरह धोए हैं, इन्हें सही करके लगाऊंगी। कैसे लगाया या क्या किया ये मैं कल की वीडियो में आपको दिखाऊंगी। आज बस मैं इनको इतना ही दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी ख़राब हो रही है, मैंने इसमें थैलियों में सामान रख दिया है पलट के। और मेरी दीदी आई थी, मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया भी था, अब वो जाने वाली है। तो जाने से पहले मैं बाई फेस उनको आपसे मिलाऊँगी कल की वीडियो में, कल दिखाऊंगी मैं आपको। अब वो वापस जा रही हैं, तो मैंने सोचा उन्हें एक वीडियो में दिखा दूं आप लोगों को भी, तो कल की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बस अब मैं उन्हीं के पास जा रही हूं, नीचे वो अम्मा के पास हैं, तो मैं भी उन्हीं के पास जा रही हूं। कल की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। चलिए, और ये देखिए सिया ने कराया है अपना फ़ोटो शूट, इसके फ़ोटो आएँगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। ये तैयार होकर आई थी। तो प्लीज़ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, राम राम, बाय बाय।